हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी रावत और आप देख रहे हैं मीनाक्षी रावत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं सभी काफी अच्छे होंगे। मैं भी काफी ज्यादा बढ़िया हूं। तो एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आ गई हूं मीशो हॉल वीडियो। और ये मीशो हॉल है मीशो फुटवेयर हॉल, जिसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर अमेजिंग से फुटवेयर्स, जिसमें कि हील्स, जूती, फ्लैट्स, हर तरीके की फुटवेयर्स मैंने मंगाई हुई हैं। तो मैं फटाफट से आपको दिखाती हूँ। और सारी की सारी फुटवेयर्स जो हैं वो अंडर 300 और 350 होंगी, इससे ज्यादा की नहीं मैंने कोई भी ली है। सारे के सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं इन सारे प्रोडक्ट के अनबॉक्सिंग की वीडियो दिखाती हूँ। तो यू कैन फॉलो मी ओवर देयर एज वेल। तो जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ आज के सारे प्रोडक्ट। सो विदाउट फर्दर डू चलते हैं अपनी वीडियो। पहली जो फुटवेयर जो फ्लैट हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये इस तरीके से पॉलिथीन वाली जो पैकिंग होती है उसी में आई थी, एक सी बॉक्स में नहीं आई थी। और ये वाली फ्लैट जो है ना, ये बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और बहुत ज्यादा ये अच्छी भी है। मतलब मुझे ये काफी ज्यादा अच्छी लगी है। ये मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था और मुझे लगा मुझे परचेज करनी चाहिए, क्योंकि मेरे मीशो पे ना ये बार बार दिख रही थी। तो मुझे लगा चलो मैं मंगा के ही देख लेती हूँ। और ये सच में बहुत ज्यादा प्यारी है, इसकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसका जो सोल है ना वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। मतलब ये जल्दी से ऐसे टूटेगा नहीं। इसका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर जो ये है और इस पे यहाँ पे बकल सा बना हुआ है, तो ये प्लास्टिक का है। बट जो ये वाला ये क्वालिटी है ना, कुछ तो लेदर काइंड ऑफ लेदर नहीं है, मतलब उस टाइप का कुछ मटेरियल है। और ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट सा है, मतलब ये बिल्कुल भी चुभ नहीं रही है और इतनी ज्यादा कंफर्टेबल है। और काफी अच्छे प्राइस में ये मुझे मिल गई है मीशो से। तो आप भी चेकआउट कर सकते हो और डेली वेयर के लिए, ऑफिस के लिए, कॉलेज के लिए ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। जैसे मार्केट वगैरह में जाना होता है तो हम हील्स वगैरह हर समय नहीं पहन सकते होते हैं, तो ये फ्लैट्स मुझे काफी अच्छी लगी है उसके लिए। बाकी ब्लैक कलर मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ब्लैक कलर मंगाया। शायद इसमें और कलर्स भी हैं तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ आपको आज का नेक्स्ट प्रोडक्ट। ये जो फुटवेयर है वो भी फ्लैट्स ही है और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, क्योंकि ये है ही बहुत ज्यादा सुंदर सी। ये दो कलर्स में अवेलेबल थी, एक इस तरीके के पिंक कलर में और एक थी व्हाइट कलर में। बट मुझे ये कलर ज्यादा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने ये पिंक वाला कलर मंगवाया है। और इसमें यहाँ पे ना कुछ मतलब एम्ब्रॉयडरी सी की हुई है और यहाँ पे इसके मिरर्स टाइप के लगे हुए हैं, कुछ स्टोन टाइप के और गोल्डन रोज गोल्ड काइंड ऑफ ये स्टोन लगे हुए हैं। यहाँ पे ये ब्रेडेड सा कुछ मतलब ये जो है यहाँ पे, क्योंकि ये अंगूठे वाली है तो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये ब्रेडेड सा है। और ये जो यहाँ पे डिजाइन है ना, ये मुझे इसका काफी अच्छा लग रहा था, जो इस तरीके की यहाँ पे डिटेलिंग दी गई है तो ये मुझे काफी अच्छी लग रही थी। और ये मतलब हल्का सा मतलब यहाँ पे हील है, ये हील नहीं है एक्चुअली, बट ये प्रॉपर वैसे फ्लैट वाली फ्लैट नहीं है, हल्का सा यहाँ पे इसकी हील है यहाँ पे। तो ये ना मम्मी लोगों को भी काफ़ी, अगर आपके मॉम्स इस तरीके की पहनती हैं तो मतलब ये मॉम लोगों के लिए भी काफ़ी सही है और ये आप लोग भी वैसे पहन सकते हो। एज पर द प्राइस काफ़ी अच्छी है, फिटिंग वगैरह भी काफ़ी मुझे इसकी सही लगी है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। है बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगली जो सैंडल्स मैं आपको दिखा रही हूँ वो हील्स हैं, ब्लॉक हील्स हैं ये। और ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, ट्रांसपेरेंट वाली हैं जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड में है ये काफ़ी टाइम से। और ये एक्चुअल में बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये ना किसी भी ड्रेस के साथ आपके चले जाती है आराम से, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट है तो ये किसी के साथ में भी मैच हो जाती है। इसका जो ये सोल है ना, ये न्यूड कलर का मैंने लिया है क्योंकि ये वाला कलर ना काफी मतलब सब ड्रेसेस के साथ जाता है, तो इसलिए मुझे ये काफी पसंद आया है। बाकी इसका ना ये चीज अगर आपको दिख रहा हो हील पे, जो इस ब्लॉक हील है ये इस तरीके से, तो ये भी काफी कंफर्टेबल है। प्लस इसमें जो ये डिजाइन बना हुआ है ना, इस तरीके का क्रिस्टल टाइप का ये कुछ लग रहा है, तो ये मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। मतलब कितना अच्छा सा लग रहा है ये बहुत ज्यादा। और बाकी ये जो है वो डिसेंट सी लगती ही है, तो मुझे तो ये काफी ज्यादा पसंद आई है और ये बहुत ज्यादा सही लगी है मुझे। और काफी अच्छी मुझे ये प्राइस में मिल गई तो इस वजह से मैंने ये ली है। यहाँ पे इसकी हल्की सी कुशनिंग है तो इसलिए ये थोड़ी कंफर्टेबल काइंड ऑफ है। मतलब इस प्राइस में अगर आपको इस तरीके की मिल रही है तो ये काफी अच्छी डील है, यू कैन गो फॉर इट। बाकी आप चेक कर सकते हो, मुझे तो ये काफी अच्छी लगी है। बहुत ज्यादा भी हील नहीं है तो आप आराम से इसमें चल फिर सकते हो, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको इस तरीके से। बाकी इसकी यहाँ पे गुलमोहर की ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है, लिखा हुआ है, बट ये एक स्टिकर काइंड ऑफ है तो ये निकल जाएगा। मुझे काफी ये अच्छी लगी है, बाकी आप भी चेकआउट कर सकते हो अगर आपको पसंद आए तो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो ये जुत्ती है या फिर मोजरी भी कहते हैं इनको। तो ये मुझे काफी अच्छी लगी क्योंकि ये ना चिकनकारी वाला सा कुछ वर्क है इसपे और इसमें शायद और कलर भी थे आई थिंक, तो मुझे तो ये ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो काफी सही लग रहा था और काफी अच्छी डील में भी मिल रहा था। और यहाँ पे ये जो
अंदर वाला इसका पोर्शन है ना, ये कुछ वेलवेटी काइंड ऑफ है, नॉट वेरी कुशनिंग वाला नहीं है, बट हल्का सा ये वेलवेटी काइंड ऑफ है और काफी अच्छा है मतलब, और इस तरीके का कुछ सोल है इसका। तो एज पर द प्राइस मतलब इसकी क्वालिटी काफी मुझे सही लगी है, क्योंकि अभी गर्ल्स को क्या होता है ना, हम लोग को ड्रेस के अकॉर्डिंग हमारी फुटवेयर्स भी मैच हो जाती हैं, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए हम लोग को ना, ठीक है, ड्रेसेस के हिसाब से हमें फुटवेयर्स मिल जाए वही काफी होता है। तो ये मतलब मुझे सही लगी है, और ये ना काट भी नहीं रही है, मतलब सही है ये, मुझे तो सही लगी है, कम्फर्टेबल काइंड ऑफ, और इस प्राइस में मिली है तो मुझे बहुत ज्यादा सही लग रही है। आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप देख सकते हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो हमारी फुटवेयर है वो ये ब्लैक की बेलीज काइंड ऑफ वाली फुटवेयर है, फ्लैट है, तो मतलब ये ना बहुत ही ज्यादा मुझे दिख रही थी, शायद आपको भी अपने मीशो पे ये दिख रही होगी, तो मुझे तो ये बहुत ज्यादा दिख रही थी, तो और मुझे ना इसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे थे, तो मुझे अच्छे लग रहे थे, और काफी लोगों ने उसमें इमेजेस भी डाली हुई थी, तो काफी ज्यादा ये अच्छी लग रही थी, और एक्चुअल में अब ना ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, मतलब आप किसी ड्रेस वगैरह के साथ में भी इसे पहन सकते हो, ये बहुत ज्यादा मतलब सही लगी है मुझे। और यहाँ पे ना ये कुछ स्टोन काइंड ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मटीरियल यूज हुआ हुआ है, ये वेलवेटी है, वेलवेट सा इसका वो है, और यहाँ पे ये इसका बकल है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे बकल है, और इसको आप इस तरीके से बंद करेंगे तो ये बहुत अच्छा इसका लुक आ रहा है। आप देख सकते हो कि ये मेरे पैरों में किस तरीके से लग रही है, किस तरीके का इनका लुक आ रहा है पैरों पे। अगर आपको भी पसंद आ रही है तो आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। नेक्स्ट जो सैंडल्स है वो है ये फ्लैट, और ये कितनी ज्यादा वायरल हो रही है ये तो आपको पता ही होगा, मतलब ये मुझे इतनी ज्यादा चाहिए थी ना, मतलब मुझे बहुत ज्यादा ये पसंद आ रही थी, मतलब मैं इतने लोगों को देख चुकी थी, मैं कितनी बार मतलब बोल चुकी हूँ मुझे भी नहीं पता, तो ये मैं मतलब कितनी बार देख चुकी थी वीडियोस इसकी, तो मुझे लगा मुझे भी मंगानी चाहिए, मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और जब मुझे पता चला कि इसका ये जो है ना, मतलब ये जो इसमें पर्ल्स लगे हुए वो चिपके हुए नहीं है, प्रॉपर ये अटैच हुए हुए हैं, तो मुझे बहुत सही लगा कि ये एकदम से निकलेंगे नहीं, और ये ना क्वालिटी भी इसकी काफी अच्छी है, जो इसका ये वाला मटीरियल है ना, तो ये भी काफी अच्छा है, ऐसे चुभने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा सही मुझे ये लगी है, पैरों पे इतनी ज्यादा सुंदर लग रही है, और किसी भी ड्रेस के साथ ये इतनी सही जाएंगी। यहाँ पे इसकी क्वीन की ब्रांडिंग की गई है, इस तरीके का इसका कुछ सोल है, तो मतलब सही है, ये स्लिपरी काइंड ऑफ नहीं होंगी, मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आई है। बाकी मेरे पैरों में आप देख सकते हो किस तरीके की लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है ये, तो इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग, इतनी ज्यादा वायरल थी, तो मुझे मंगानी ही पड़ी, मुझे काफी ज्यादा ये पसंद आई है। एज पर द प्राइस भी ये अच्छी है, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफी सही है, तो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप भी जल्दी से ऑर्डर कर लो, लिंक आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, अगला जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आई, मतलब फोटो में देख के मुझे काफी अच्छी लग रही थी, बट जब वो आई है ना तो मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या पता आपको अच्छी लग जाए, हो सकता है। तो ये इस तरीके की हील्स हैं, गोल्डन कलर की, और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे लगा था ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, बट पता नहीं क्यों मुझे ये कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई, मतलब जिस हिसाब से मुझे ये लग रहा था कि ये उस तरीके की होंगी, उस तरीके की मुझे ये कुछ लगी नहीं है। वैसे सुंदर है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है, बट मुझे जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी ये मुझे उस तरीके की नहीं लगी, और यहाँ पे इसकी कुशनिंग भी नहीं है, और बट मतलब ठीक है, ओके है, और आप देख सकते हो पार्टी वेयर काइंड ऑफ है, इस तरीके की ब्लॉक हील है, और पेंसिल हील तो मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ पहनना, मतलब मैं नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए ब्लॉक हील्स ही मैं ज़्यादा लेती हूँ, तो ये वाली भी ब्लॉक हील है, तो ये इस तरीके की कुछ है, मतलब ऐसी वाली ना काफ़ी अच्छी लगती हैं वैसे तो, बट ये मेरे पैरों पर आई डोंट नो बट मुझे थोड़ा अजीब सी लग रही थी, मुझे अच्छी सी नहीं लगी, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। बाकी यहाँ पर इसकी शाइन करके ब्रांडिंग हुई है, इसकी हुई है, और ये इस तरीके की कुछ लेस लगी हुई है, और यहाँ पे ये टेसल्स छोटे छोटे हैं, बाकी ये पूरी गोल्डन कलर की है, बट ठीक है, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब यू कैन थिंक अबाउट इट, अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप बाय कर सकते हो, लिंक तो है ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स का। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगली जो फुटवेयर है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और सारी ना मैंने थोड़ा अलग अलग कलर्स में ही मंगाई है, क्योंकि ये ब्राउन कलर की मैंने मंगाई, क्योंकि ब्राउन कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है, टैन कलर, तो ये इस तरीके की कुछ है, यहाँ पे ये बो बना हुआ है, यहाँ पे ये कुछ प्लास्टिक का है, इसको अटकाया हुआ है, मतलब बो वाला डिज़ाइन देने के लिए, और ये फ्लैट है, इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ पे ना ये थोड़ा लेदर टाइप का लग रहा है ऊपर से, ये यहाँ पे इसकी बम चिक बम इस तरीके की ब्रांडिंग की हुई है, तो यही ब्रांडिंग है यार, तो वही बताऊंगी, तो ये इस तरीके की ब्रांडिंग यहाँ पे की हुई है, मेड इन इंडिया है, तो फिर आपको लेनी चाहिए, क्योंकि मेड इन इंडिया है, और ये हल्का हल्का सा कुछ नहीं है, बहुत ही हल्का सा, बट कंफर्टेबल है यार, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, सोल भी इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ऐसे स्लिपरी काइंड ऑफ नहीं है,
तो कंफर्टेबल हैं एवरीडे यूज के लिए, ऑफिस कॉलेज के लिए, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है, आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट फुटवेयर। अगली जो फुटवेयर है ना, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है। ये फ्लैट्स हैं जो बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है और मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी है ये, मतलब बहुत ज्यादा अलग सा यूनिक सा इसका मुझे डिजाइन लगा और मुझे बहुत ज्यादा पसंद भी आई है। क्रीम कलर सा कुछ कलर है इसका, मैंने इस कलर में ली है, मतलब शायद और कलर्स भी अवेलेबल है। यहाँ पर इस तरीके से टैसल्स लगे हुए हैं, तो ये वाला जो है ना, ये लुक मुझे काफी पसंद आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, जो हील्स वाली थी टैसल वाली, उनमें भी इसी तरीके का था, बट वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब उतना कुछ ज्यादा अच्छा सा नहीं लग रहा था। बट एट द सेम टाइम ये भी इसी तरीके का है, टैसल है यहाँ पे, लेस काइंड ऑफ होते हैं उस तरीके वाला कुछ वर्क जो होता है वो ही है यहाँ पे। और यहाँ पे प्लास्टिक के शेल्स वाला जो डिजाइन होता है वैसा बना हुआ है, ये प्लास्टिक के हैं और ये काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं एवरीडे यूज के लिए, तो ये काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, इनमें ना एक बात ये भी सही है कि यहाँ पे ना इस तरीके से, मतलब अंगूठे वाला, मतलब ये जो होता है सपोर्ट करने के लिए, ये वाला पोर्शन इसमें दिया गया है। तो काफी लोग होते हैं ना जिन्हें स्लिप ऑन्स में चलने में प्रॉब्लम होती है या उन्हें लगता है कि उनका पैर खिसक जाएगा इस तरीके से, तो उनके लिए ये वाली काफी सही है। मतलब ये वाला, ये जो पोर्शन रहता है ना, इससे सपोर्ट रहता है, पैर आगे नहीं जाते हैं, तो ये उस तरीके की है, इसलिए भी ये मुझे काफी सही लगी है। मतलब मुझे तो इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, बट काफी सारे लोगों को होता है कि वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्लिपॉन्स में चलने में, तो उस वजह से ये, मतलब मुझे ये थोड़ी सही लगी है और थोड़ी डिफरेंट भी है। अगर आप लोग इस तरीके की कुछ लेना चाहते हो तो आप चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो जुत्ती है, पंजाबी जुत्ती, मोजरी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये तो बहुत ज़्यादा ये मुझे सुंदर लगी है, मतलब बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी है और ना प्लेन है ना ये, तो किसी भी ड्रेस के साथ आपके जाएंगे। यहाँ पे ये घुंघरू है, मतलब ये वेलवेटी है पूरा का पूरा, बहुत सॉफ्ट वाला वेलवेट है, ग्रीन कलर के। इसमें और कलर्स भी अवेलेबल थे, मरून भी आई गेस और शायद ब्लू भी है, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा था ग्रीन कलर, तो मैंने ग्रीन कलर ही मंगवा लिया। बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कंफर्टेबल हैं, इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही है ये, किसी भी आपके एथनिक वेयर के साथ, मतलब सूट वगैरह के साथ में इतनी ज़्यादा अच्छी लगेगी ना, और किसी भी बोहो लुक को क्रिएट करने के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सही है। तो आप भी चेकआउट कर सकते हो, ये वाली तो आप परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट जो सैंडल्स हैं वो फ्लैट्स हैं और वो कुछ इस तरीके की हैं, तो ये वाली भी ना काफ़ी सुंदर लगती हैं इस तरीके की फ्लैट्स भी, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें और कलर्स भी थे, मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए मैंने ये वाला कॉम्बिनेशन मंगाया है। मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, क्वालिटी वाइज भी ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे मेहताब की ब्रांडिंग हुई हुई है, मतलब ये स्टिकर काइंड ऑफ लगा हुआ है जो कि निकल जाएगा, और यहाँ पे ना कुछ सीक्विन वाला वर्क का काम है एम्ब्रॉयडरी के साथ में। ये वेलवेटी कपड़ा है और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और उसके ऊपर ये सीक्विन का वर्क हुआ है। यहाँ पे ये ब्रेडेड सा है और ये भी मतलब अंगूठे वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी हैं, मतलब पहनने में भी सही लग रही हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हैं। पार्टी वेयर भी हैं तो आप देख सकते हो, बाकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होंगी कि ये किस तरीके की लग रही हैं, प्राइस भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। अगली जो फुटवेयर सैंडल्स हैं वो इस मीशो हॉल की, आज की मीशो हॉल की लास्ट फुटवेयर है, बट सबसे ज़्यादा सुंदर वाली फुटवेयर है। तो ये देख सकते हो आप कि कितनी सुंदर ये है, मुझे ये एक नज़र में इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगी है ये, बहुत ज़्यादा सुंदर है। वाइट कलर की है तो वैसे भी मुझे वाइट कलर मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अलग ही मतलब अच्छा सा लगता है, और ये तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। ये पार्टी वेयर है और मतलब इतनी डिसेंट सी है कि अगर आप कोई ड्रेस वगैरह पहनोगे उसके साथ में भी ये काफ़ी अच्छी लगेगी, प्लस अगर आप साड़ी या कोई भी एथनिक ड्रेस कैरी कर रहे हो ना उसके साथ में भी ये बहुत ज़्यादा सही लगेंगी। ब्लॉक हील ही है, एज आई टोल्ड यू, मैं तो पेंसिल हील वगैरह नहीं प्रेफर करती हूँ, तो ये भी ब्लॉक हील ही है, बट बहुत ज़्यादा सुंदर है, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे ये जो है ना, ये ग्लॉसी सा है इसका जो ये यहाँ पे है, मैट नहीं है, तो ये शाइन कर रही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे ये स्टोन वर्क कुछ हुआ है और एम्बेलिशमेंट्स हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रही है। यहाँ पे सिल्वर स्टोन है और ये जो है ये मतलब मल्टी से हैं, जो थोड़ा पिंक थोड़ा सिल्वर इस तरीके का कुछ कलर ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ये सुंदर लग रही है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और यहाँ पे ये RBACLJ इस तरीके का कुछ ब्रांडिंग हुआ है, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इस पूरे हॉल में सबसे फेवरेट जो मेरी है वो यही वाली फुटवेयर है,
मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आई है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे ये कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये बहुत ज़्यादा प्यारी सी हील्स हैं, इनकी फिटिंग भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई, मेरे पैरों में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, मतलब मुझे तो लग रही थी। तो इसी प्यारी वाली सैंडल के साथ मैं आज का ये मीशो हॉल मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको सारी की सारी सैंडल्स पसंद आई होंगी, सारी नहीं आई होंगी तो कोई ना कोई तो पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है और आपको अगर भी परचेज करनी है तो लिंक सारे के सारे प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, सारे प्रोडक्ट के प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, सारे प्रोडक्ट जो मैंने ट्राई ऑन भी दिख जाएगा और किस तरीके के ये लग रहे हैं, इन सब की डिटेल्स आपको दिख गई होगी कि ये कैसे हैं। मुझे ये सारे के सारे फुटवेयर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट जो आप वीडियो देखना चाहोगे किस प्रोडक्ट के मीशो हॉल देखना चाहोगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हो। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नए आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपको इस तरीके के मीशो हॉल देखने को मिलते रहेंगे। जल्द ही मिलूंगी आपको नए मीशो हॉल के साथ में, नई वीडियो के साथ में अपने चैनल पे। टिल देन राधे राधे।